जो जिंकेल तो फाइनल खेलेल। जरा टॉस करूया जाए, जफर मुंडे अल्ताफ मुंडे, जफर मुंडे अल्ताफ मुंडे या ठिकाणी स्पेशल टॉस उनके नाम का बनाया गया है। हेलो, तो आइए दोस्तों, अब हमारे ये जो टॉस बॉक्स है यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं और दोनों ही टीमों के कैप्टन भी यहाँ पर हमारे साथ आ चुके हैं। जो हमें टॉस बॉक्स स्पॉन्सर किया वो जफर मुंडे साहब और अल्ताफ मुंडे साहब ने हमें ये स्पॉन्सर किया है। वाड़ा 11 और कुड़ूस 11 के बीच में ये मैच रहेगा और इस मैच का यहाँ पर टॉस होने जा रहा है। कैलाश जादव जी हमारे बीच में मौजूद है, उन्हीं के शुभ हाथों से आज के दिन का ये पहला मैच और इसका टॉस ये देखिए अल्ताफ मुंडे साहब और दूसरी तरफ है अजहर मुंडे साहब, सॉरी जफर मुंडे और अल्ताफ मुंडे साहब कॉल रहेगा। वाड़ा 11 का कॉल रहेगा, जफर मुंडे साहब कहना है यहाँ पर और आया है अल्ताफ मुंडे। बहुत बहुत शुक्रिया यादव साहब आपका। सेमीफाइनल का ये मैच है जहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों टीमें बहुत ही बेहतरीन है, जहाँ पर एक तरफ वाड़ा 11 और दूसरी तरफ कुड़ूस 11, ये दो कैप्टन यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, लेकिन टॉस को जीता है कुड़ूस 11 के कैप्टन ने। देखिए पूरा टूर्नामेंट आप देख रहे हैं कि बहुत ही बेहतरीन ये टूर्नामेंट चल रहा है, आपने मैचेस भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेले और जीते भी है। आइए उससे पहले ये कैप दी जा रही है विनिंग कैप्टन, टॉस विनिंग कैप्टन को ये कैप दी जा रही है यहाँ पर, बहुत ही खूबसूरत ये कैप। राज इंटरप्राइजेस की तरफ से हमें ये कैप स्पॉन्सर की गई है। सामने जो टीम है वाड़ा 11 एक बहुत ही बेहतरीन टीम है, आपने इनके साथ कई मैचेस खेले भी होंगे, तो किस तरह से परफॉर्मेंस रहा है? जितने भी हमारे आमना सामना हुआ है उस टाइम कांटों की टक्कर, कांटों का मुकाबला हो चुका है, कोशिश करेंगे कि ये मुकाबला भी कांटों के जैसा ही हो जाए। टॉस जीता क्या करने जा रहे हो? फील्डिंग। फील्डिंग करने का जो आपने फैसला लिया उसके पीछे कोई कारण? पीछे कोई कारण नहीं है, उनके पास अच्छे बल्लेबाज है, उनको रोकने का एक मौका मिलता है इसके लिए फील्डिंग कर रहे हैं। कितने रनों पे रोकने की कोशिश करेंगे इन्हें आप? सर कम से कम रन में रोकने की कोशिश करूंगा। देखिए आपकी टीम बहुत ही बेहतरीन है, एक कुड़ूस की टीम में मानी जानी टीम है इस परिसर की, तो आपके पास ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जो इस मैच में अहम रोल अदा करेगा? सर जी मेरे टीम में सब जितने भी है सब हुनर बच्चे है और जो भी जिसको जिसको चांस मिलता है वो अपना अपना परफॉर्मेंस सही तरीके से करता है। ये टूर्नामेंट हम देख रहे हैं कि 11 तारीख से इस टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी और आज फाइनल डे है, ये जो 5 दिन इस टूर्नामेंट का है कितना एंजॉय किया आपने इस टूर्नामेंट को? सर जी जो डिंग डोंग वडोली जो क्लब है इनका जो आयोजन रहता है और इनका जो पूरा जो मतलब मैच रखने का तरीका रहता है वो बेहतरीन रहता है। मराठी में एक कहावत है, जब लोग बोलते हैं वहाँ पे ऊपर घाट पे बोलते हैं कि इनका नाद नहीं करने का, तसा मराठीत म्हणायला गेलं तर यांचा नादच कोणी करायचा नाही, तालुक्यात तरी यांचा नाद नाही करायचा, डिंगडोंग वडोलीचा अगदस बुबेर आणि फरमानचा कधी नाद नाही करायचा। थँक्यू। तो ये थे कुड़ूस के कॅप्टन, आई अब इस वक्त मेरे साथ वाड़ा 11 के कॅप्टन है। देखिए जो कुड़ूस के कॅप्टन थे उन्होंने ओपिनियन बहुत ही बेहतरीन दिया है और हम उम्मीद करेंगे आपसे कि आप भी एक अच्छा ओपिनियन हमें देंगे। टॉस उनके पक्ष में गया लेकिन बैटिंग आपकी है, आप अगर टॉस जीते तो आप क्या करते? फील्डिंग करते, लेकिन आई है बैटिंग। अगर सामने हम टीम देखें तो इनके पास गेंदबाजी बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन आपके पास ऐसे कौन से बल्लेबाज है जो शुरुआती ओवर में आपको फ्लाइंग स्टार्ट देंगे? हमारे सब बैट्समैन अच्छे और सब खेलेंगे ऐसा मेरे को उम्मीद है। आपकी टीम का कोई ऐसा खिलाड़ी जो सेमीफाइनल मैच में अच्छा परफॉर्मेंस करेगा? रुपेश लोखंडे और उमेश लोखंडे और अक्षय कोकटे से उम्मीद है।
जैसा कि कुलुस के कैप्टन ने कहा कि जो वाड़ा वाले है उनसे नांद नहीं करने चाहिए, आप क्या कहेंगे? ये तो सही बात है, उनका ऑर्गेनाइज एकदम बेस्ट रहता है डिंग डोंग वडोली का। थैंक यू। तो दोस्तों अभी अभी यहाँ पर टॉस हुआ है, टॉस को जीता है कुलुस इलेवन के कैप्टन ने और पहले गेंदबाजी करने का, फील्डिंग करने का फैसला लिया। ओवर टू कमेंट्री बॉक्स। वडोली ट्रॉफी 2024 ये फाइनल रेस टूर्नामेंट का, और अभी अभी यहाँ पर पहले मैच का टॉस किया गया, टॉस को जीता है कुलुस इलेवन के कैप्टन ने और पहले फील्डिंग करने का उनका फैसला रहा है। मैच की शुरुआत यहाँ पर होने जा रही है और बैटिंग वाली जो टीम है वो वाड़ा इलेवन, एक बहुत ही बेहतरीन ये मैच है हमें देखने को मिलेगा। जिस तरह से दोनों टीमें हम देख रहे हैं कि बिल्कुल बैलेंस टीमें यहाँ पर नजर आ रही है, असमी लोग यहाँ पर जो है ऑर्गेनाइजर भी पूरी तरीके से तैयार है, हमारा जो लाइव टेलीकास्ट है वो भी अब यहाँ पर शुरू हो चुका है और हमारे एम्पायर जो है वो भी बिल्कुल तैयार है। इस टूर्नामेंट में हम देख रहे हैं कि तीन एम्पायर है, प्रदीप भंडारी, साथ ही साथ मंगेश बाइत और बाला पवार, ये हमारे तीन एम्पायर है इस टूर्नामेंट में। और हमारे ऑफिशियल स्कोरर जो है वो है लॉयर वैभव जाधव, क्या बात है, आपका भी स्वागत है। और लाइव जो दिखाया जा रहा है वो ओम साई मूवी पे ये लाइव टेलीकास्ट दिखाया जा रहा है। खेल कब शुरू करना है, दोनों टीमें अपना ट्वेल्थ मैन यहां पर भेजना है, कुलुस इलेवन के ट्वेल्थ मैन और वाड़ा इलेवन के ट्वेल्थ मैन, दोनों ही ट्वेल्थ मैन आपको तुरंत ही यहाँ पर हमारे साथ आ जाना है। आरपी लाइन्स वाड़ा और कुलुस इलेवन के बीच में ये पहला मैच। धीरे धीरे अब हम देख रहे हैं कि दर्शक भी यहां पर आते हुए, सुबह के सत्र में सभी का स्वागत है, सभी का मैं वेलकम करता हूं इस वडोली ट्रॉफी 2024 में। बहुत ही बेहतरीन ये टूर्नामेंट, और जो कुलुस के कैप्टन ने जो ओपिनियन दिया था वो बहुत ही बेहतरीन उनका ओपिनियन रहा था। वाकई में जो अकदस बुरे है और जितने भी लोग उनके साथ मिलकर इस टूर्नामेंट को कामयाब कर रहे, एक बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट, लास्ट ईयर भी ये टूर्नामेंट रहा था और उप सरपंच ट्रॉफी रही थी लास्ट ईयर, लेकिन इस साल हम देख रहे हैं कि वडोली ट्रॉफी, लेकिन ऑर्गेनाइजर जो है वही काम कर रहे, जो पिछले साल उनका ऑर्गेनाइजिंग किया गया था बहुत ही बेहतरीन था, इस साल भी हम देख रहे कि एक अच्छा टूर्नामेंट ये, जिसका आज का ये फाइनल डे, पहले मैच की यहाँ पर अब शुरुआत होने जा रही है। अकदस बुरे साहब, साथ ही साथ फरमान बुरे साहब और कैलाश जादव जी, ये हमारे ऑर्गेनाइजर, बहुत ही बेहतरीन काम किया है इन्होंने। पिछले चार दिनों से हम देख रहे हैं कि ये टूर्नामेंट चल रहा है, आज पांचवा दिन इस टूर्नामेंट का फाइनल डे, 11 तारीख को इस टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी। खेल कब शुरू करना है, वाड़ा इलेवन आपको ओपनर बैट्समैन भेजना है और दोनों टीमें अपना ट्वेल्थ मैन यहां पर आपको तुरंत ही भेजना है। कुलुस इलेवन अपना ट्वेल्थ मैन यहां पर भेजना है। खेल की शुरुआत होने जा रही है, दोनों ओपनर बैट्समैन भी इस वक्त आते हुए, एक बेहतरीन मुकाबला हमें देखने को मिलेगा। ये आज के दिन का पहला मैच हम देख रहे हैं कि इस परिसर की दो बेहतरीन टीमें आपस में लड़ती हुई, सेमीफाइनल का ये मैच रहेगा।
रुपेश लोखंडे और एनुल, ये दोनों ओपनर बैट्समैन रहेंगे। खेल की शुरुआत होती हुई पहले ओवर में गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं महेश, अपने आप को पूरी तरीके से तैयार करते हुए वहां पर गेंदबाज। अगर हम दोनों टीमों पर नजर डालें तो जो उनका बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत ही पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। देखिए जो टूर्नामेंट का रूल्स है कि ड्रेसिंग कंपलसरी है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो खिलाड़ी उनके जो है ड्रेस में कंप्लीट नहीं है, उसके लिए यहाँ पर देखना है कि शायद दो रनों का पेनल्टी दिया जाएगा। टूर्नामेंट के जो रूल्स है उसको आपको फॉलो करना होगा क्योंकि एक बड़ा टूर्नामेंट आप खेल रहे हैं, तो जितने भी इस टूर्नामेंट के रूल्स है सभी टीमों को उसको फॉलो करना होगा। और ये सेमीफाइनल का मैच है, यहाँ पर हम देखते हैं कि सेमीफाइनल के जो मैचेस रहते हैं वहाँ पर एक एक रन की लड़ाई लड़ी जाती है, और दो रन का अगर आपको पेनल्टी मिलता है तो ये फिर अच्छे संकेत नहीं है आपके लिए। खेल की शुरुआत होती भी पहले ओवर में गेंदबाजी के लिए महेश को बुलाया गया, सामना करेंगे वहां पर बैट्समैन एनुल। एनुल और रुपेश ये दोनों ओपनर बैट्समैन पारी की शुरुआत करते हुए आज के दिन का ये पहला मैच पहली गेंद के साथ। वहां पर गेंदबाज पूरी तरीके से तैयार, लंबे रनअप के साथ हमारे दोनों ऑफिशियल एम्पायर, गेम ऑन का इशारा आता हुआ। यस महेश पहली गेंद वहां पर देखना है, मिस टाइम स्ट्रोक अपने शरीर से दूर खेलने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज ने, और पहली गेंद के ऊपर सफलता दिलाते हुए गेंदबाज महेश। तो सेमीफाइनल की शुरुआत हम देख रहे हैं कि यहां पर विकेट के साथ हुई है, बैट्समैन एनुल पहली गेंद के ऊपर आउट होकर वापस जाते हुए अवे फ्रॉम द बॉडी खेलने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज ने, इनफील्ड के ऊपर से ये स्ट्रोक खेलना चाहते थे लेकिन उतनी बेहतर टाइमिंग देखने को नहीं मिली और अपना विकेट गंवाते हुए। तो शुरुआत हम देख रहे कि आरपी लाइन वाड़ा की उतनी बेहतर नहीं हुई है, ओपनर बैट्समैन एनुल पहली गेंद के ऊपर वापस लौटते हुए, लेकिन कुलूस 11 की शुरुआत हम यहां पर देख रहे हैं कि अच्छी हुई है। महेश गेंदबाज पहली गेंद के ऊपर विकेट हासिल किया है, उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन गेंद के ऊपर काम तमाम कर दिया था बैट्समैन एनुल का। उमेश न्यू बैटर उमेश, चार चार ओवर का ये मैच रहेगा, सेमीफाइनल का ये मैच देखने। शुरुआत तो यहाँ पर उतनी बेहतर नहीं हुई है लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बैटिंग बहुत ही बेहतरीन है तो एक अच्छा टोटल बनाने की कोशिश करेंगी। आरपी लाइंस वाला आते ही साथ वहां पर देखना है, खेल दिया गेंद को, कोई मौका नहीं, गेंद जा रही बाउंड्री के बाहर, 6 रन। क्या बेहतरीन ये मैच चल रहा है, पहली गेंद के ऊपर विकेट आया उसके बाद दूसरी गेंद के ऊपर एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक लगा दिया बैट्समैन उमेश ने, मिड विकेट के ऊपर से गेंद चली गई है 6 रनों के लिए। गेंद की लाइन में आकर इस बार वहां पर गेंद को फेंक दिया आउट ऑफ द पार्क, गेंद जाती हुई मिड विकेट से होती हुई 6 रनों के लिए, सिक्सर से यहाँ पर अकाउंट ओपन होता हुआ बैट्समैन उमेश का और टीम वाड़ा। आरपी लाइन वाला और बैट्समैन जो उमेश है बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक आया है उनके बल्ले से, एक बार फिर से वहां पर गेंदबाज महेश, फिर से लंबा हिट लेना चाहते थे वहां पर बैट्समैन, इस बार स्लो स्वीप लगाना चाहते थे इस गेंद के ऊपर फ्रंट फुट को आगे निकाल कर, लेकिन इस बार ये अच्छी गेंद रही है महेश की, एक हमारी एक तुम्हारी पहले ओवर में ही देखने को मिल रही है। जिस तरह से यहाँ पर पहली 3 गेंदों का खेल रहा है, पहली गेंद के ऊपर विकेट उसके बाद सिक्सर उसके बाद फिर से जो गेंदबाज है महेश उन्होंने कमबैक किया है, और ये पूरा मैच भी हमें इसी तरीके का देखने को मिलेगा। थोड़ा समय में भी टीमों को सहयोग करना होगा क्योंकि ये फाइनल डे टूर्नामेंट का, और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा हमारे जो स्पॉन्सर है जो हमारे मान्यवर है वो हमारे साथ यहाँ पर जुड़ते जाएंगे, उनका स्वागत सम्मान भी यहाँ पर किया जाएगा तो उसमें भी थोड़ा वक्त यहाँ पर जाया होगा, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि समय में आप लोगों को सहयोग करना होगा। देखने अब एक बार फिर से खेल की शुरुआत होती हुई, 6 पर स्कोर है, पहली गेंद का सामना करते हुए सिक्सर लगाया था वहां पर बैट्समैन उमेश ने, लेकिन इस बार अच्छी वापसी की है महेश।
इस बार पुल कर दिया इस गेंद को अलोंग द ग्राउंड, देखना गेंद जाती हुई लेकिन मिसफील्ड इस बार हुई है और गेंद बाउंड्री के बाहर जाएंगी चार रनों के लिए। ये देखिए किस तरह से स्ट्रोक लगाया था वहां पर बैट्समैन ने, हाफ ट्रैकर ये गेंद थी और पुल कर दिया था इस गेंद को। हालांकि डिप में खड़े हुए खिलाड़ी से मिसफील्ड हुई है और गेंद बाउंड्री के बाहर गई है चार रनों के लिए। गेंदबाज हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं लेकिन जो उनके साथी खिलाड़ी है उनको भी गेंदबाज का साथ देना होगा। और ये भी नहीं बोलने चाहिए कि ये सेमीफाइनल का मैच है, एक बड़ा मैच ये चलता हुआ। एक और अच्छी गेंद रही है वहां पर महेश की, मिला जुला ओवर यहाँ पर लगातार हमें देखने को मिल रहा है। अच्छी गेंदबाजी भी हो रही है, अच्छी बैटिंग भी हो रही है। अब तक जो स्कोर बनाया गया वो है 10, एक सिक्सर लगा, एक बाउंड्री आई है, विकेट भी गिरा है लेकिन बैटिंग हम देख रहे हैं कि उमेश अच्छी करते हुए चार गेंदों का सामना करते हुए 10 पर बैटिंग कर रहे हैं बैट्समैन उमेश। इस बार अपने बल्ले के फेस को खोलकर इस गेंद को खेल दिया वहां पर बैट्समैन ने लेकिन इस बार सिंगल ही रन पूरा कर पाएंगे। ओवर की समाप्ति भी होती हुई, पहले ओवर का खेल खत्म हो चुका जिसमें रन बनाए गए 11, एक विकेट गंवाने के बाद आरपी लाइन वाड़ा। मिला जुला ओवर रहा पहला ओवर, पहला विकेट भी पहली गेंद के ऊपर गिरा था जहाँ पर ओपनर बैट्समैन ऐनुल आउट होकर वापस गए लेकिन उसके बाद उमेश ने अच्छी बल्लेबाजी की है। तो देखना यहाँ पर पहला ओवर जिस तरह से रहा बनाएंगे आरपी लाइन वाड़ा के बैट्समैन, ये देखने वाली बात रहेगी। हालांकि दोनों टीमें अगर हम देखें तो बहुत ही बेहतरीन टीमें हैं, एक कड़ा मुकाबला हमें देखने को मिलेगा। और कुडूस के कैप्टन ने कहा था भी कि ये जो मैच रहेगा एक कांटे की टक्कर का मैच हमें देखने को मिलेगा, दर्शक भी वही चीज का इंतजार कर रहे हैं। और जिस तरह से यहाँ पर पहला ओवर घटा है, पहली गेंद के ऊपर विकेट आया उसके बाद सिक्सर बाउंड्री आई और दो गेंदें डॉट भी बीच में देखने को मिली थी। दो रन का जो पेनल्टी था अब वो भी ऐड कर दिया गया है तो टोटल स्कोर अब है 13। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 11 रन हुआ था और दो रनों का जो पेनल्टी था वो भी अब ऐड कर दिया गया और टोटल स्कोर है 11 रन। दोनों टीमों की जो 12th मैन है और दोनों टीमें, इस बात को आपको नोट करना है कि दो रनों का जो पेनल्टी था वो नोट कर दिया गया है। गेंदबाजी में अब सौरभ को बुलाया गया है ओवर नंबर 2 लेकर आते हुए सौरभ, लंबे नरम के साथ वहां पर सौरभ सामना करेंगे बैट्समैन उमेश। पहली गेंद वहां पर अच्छी गेंद रही थी, फ्लोर लेंथ की गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत करते हुए गेंदबाज सौरभ, अच्छी लंबाई की पहली गेंद रही थी वहां पर गेंदबाज की, बॉटम हेड का इस्तेमाल करते हुए गेंद को ऑन साइड में टर्न कर दिया था बैट्समैन उमेश और ये सिंगल रन आया है। सिंगल की मदद से स्कोर अब 14 पर, ओवर नंबर 2 का अब यहाँ से खेल शुरू हो चुका है और दूसरे ओवर में अब जाकर स्ट्राइक पर आए है बैट्समैन रुपेश। के बाद जो होने वाला मैच रहेगा ये दोनों टीमें भी आपको बिल्कुल रेडी रहना है। इस बार ये अच्छी गेंद रही है, थोड़ा सा गति परिवर्तन पर गेंदबाज ने गुड लेंथ के ऊपर गेंद को पिचअप कराया है। ये देखिए गति परिवर्तन किया था और थोड़ा बाहर की तरफ भी गेंद को निकाला था, वही कारण था कि बैट्समैन रुपेश इस बार बीट हुए है। ये डॉट गेंद, गेंदबाजी हम देख रहे हैं कि अच्छी यहाँ पर नजर आ रही है। पहले ओवर में जिस तरह से महेश ने गेंदबाजी की, हालांकि एक सिक्सर एक बाउंड्री आई थी उनके ओवर में लेकिन उसके बाद भी उनका ओवर अच्छा ही रहा था। और ये ओवर सौरभ का बहुत बेहतरीन गेंदबाजी लगातार हमें देखने को मिल रही है, बल्लेबाजों को कठिनाइयों में डाल रहे वहां पर सौरभ। मिश्रण हम देख रहे हैं कि लगातार अपनी गेंदबाजी में करते हुए तेज गेंदे भी कर रहे हैं, फुलर लेंथ की गेंदे भी कर रहे हैं और बीच में हम देख रहे हैं कि स्लो गेंद भी फेंक रहे हैं, वही कारण है कि बल्लेबाज गेंदों को समझ नहीं पा रहे। एक बार फिर से वहां पर देखना है, गति परिवर्तन किया था लेकिन इस बार फुल टॉस गेंद थी और फ्रंट फुट को आगे निकालकर स्लो स्वीप कर दिया, गेंद चली गई है बाउंड्री के बाहर 6 रन। स्लो गेंद करने की कोशिश की थी वहां पर गेंदबाज ने लेकिन फुल टॉस गेंद के ऊपर बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक आया है।
लॉन्ग ऑन की दिशा में इस गेंद को खेल दिया। देखने वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, थोड़ा सा फंबल जरूर हुआ है, उसी बीच बल्लेबाजों ने सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया है। इस गेंद के ऊपर दो रन आ जाएंगे, इन दो रनों की मदद से स्कोर अब जा पहुंचा है एक विकेट गंवाने के बाद 22-22 रन। दोनों ही बैट्समैन हम देख रहे हैं कि अब अच्छी बल्लेबाजी करते हुए और दोनों के बैट से एक एक सिक्सर आ चुका है। इस बार लेग स्टंप पर यह गेंद थी, देखना है बहुत ही खूबसूरत तरीके से ग्लांस कर दिया इस गेंद को, गेंद जा रही है डीप फाइनल की दिशा में चार रनों के लिए। इस बार खराब लाइन के ऊपर गेंदबाजी की थी वहां पर सौरभ ने। दो ओवर की समाप्ति, रन बनाए गए 26-26 रन। पहले ओवर में 11 रन आए थे जिसमें दो रनों का पेनल्टी था तो 13 रन हुए थे और इस ओवर में भी 13 ही रन आए हैं। अब देखना है कि तीसरा ओवर लेकर आते हुए चिराग, दोनों ही बैट्समैन अब अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 12 पर बैटिंग करते हुए रुपेश और उमेश ने भी 12 रन बनाए है। दोनों के बैट से एक एक सिक्सर और एक एक बाउंड्री आई है। ओवर नंबर 3 की शुरुआत, चिराग पहली गेंद के साथ वहां पर देखना है लॉफ्ट कर दिया गेंद को, डीप में खिलाड़ी मौजूद है लेकिन कोई मौका नहीं, गेंद बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरती हुई 6 रनों के लिए। देखिए एक अनाउंसमेंट मैं यहां पर कर रहा हूं कि आरपी लाइन वाला के 12th में यहां पर नहीं है, आपको तुरंत ही आ जाना है यहाँ पर। आरपी लाइन वाड़ा के जो 12th मैन है तुरंत ही आना है। देखिए ऑर्गेनाइजिंग टीम कोई बड़ा फैसला ले उससे पहले आपको यहाँ पर आना होगा। तीसरे ओवर की शुरुआत हुई लेकिन सिक्सर से स्वागत किया वहां पर गेंदबाज चिराग का, बैट्समैन उमेश के बल्ले से एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक आया है आउट ऑफ द पार्क, कई दूर जाकर ये गेंद गिरी थी 6 रनों के लिए। उमेश हम देख रहे हैं कि बहुत ही बेहतरीन बैटिंग करते हुए, दूसरा सिक्सर आया है उनके बैट से, इस बार हुक कर दिया है, गेंद फिर से जा रही है डिप फाइन लेग की दिशा में। देखना है वहां पर गेंद का पीछा किया जा रहा है लेकिन गेंद को नहीं रोक पाएंगे वहां खिलाड़ी और ये गेंद भी जा रही है 4 रनों के लिए। हाफ ट्रैकर ये गेंद थी और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हुक कर दिया था इस गेंद को वहां पर बैट्समैन ने, फिर से इस बार देखना है पुल किया है, ये गेंद भी जाती हुई बाउंड्री के बाहर 6 रन। बैक टू बैक हम देख रहे हैं कि अब यहां पर बड़े स्ट्रोक आते हुए बैट्समैन उमेश, बहुत ही बेहतरीन बैटिंग यहां पर देखने को मिल रही है। कम ऑन डीजे, तीन गेंदें वहां पर चिराग की जिसमें 16 रन खर्च किए उन्होंने लेकिन बैटिंग हम देख रहे कि लगातार बहुत ही बेहतरीन देखने को मिल रही है। उमेश कमाल की बैटिंग करते हुए और टीम का स्कोर अब पहुंचा दिया है 42-42 पर स्कोर, एक अच्छे टोटल की तरफ अब यहां पर बढ़ती हुई आरपी लाइन वाड़ा 28 पर बैटिंग करते हुए उमेश, फिर से बड़ा हिट लेने की कोशिश की थी वहां पर बैट्समैन ने लेकिन इस बार देखना है कि एक रिस्की रन पूरा किया है इस गेंद के ऊपर वहां बैट्समैन ने, बाय के लेग बाय के रूप में ये सिंगल रन आया है इस गेंद के ऊपर। ओवर नंबर 3 का ये खेल चलता हुआ और 43 रन अब तक बनाए गए हैं, एक अच्छा टोटल यहां पर बनता हुआ। इसके बाद भी
एक ओवर का खेल और रहेगा, लेकिन ये भी हम भूल नहीं सकते कि कुडूस 11 के पास भी जो बैटिंग लाइनअप है वो भी बहुत ही मजबूत बैटिंग लाइनअप है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर उमेश और रुपेश बैटिंग करे, एक बड़े टोटल की तरफ बढ़ती हुई एक बार फिर से खेल की शुरुआत होती हुई। दो गेंदें अभी भी बची हुई है इस ओवर में। चिराग एक बार फिर से वहां पर, ओ इस बार हाफ ट्रैकर गेंद थी वहां पर, देखना है कि अंधाधुन अपना बैट घुमाया था वहां पर बैट्समैन ने। गेंद की लाइन में आकर इस गेंद को हालांकि खेलना चाहते थे वहां पर बैट्समैन, लेकिन फिर से लेग बाय के रूप में ये सिंगल रन आया है। अब अच्छी गेंदबाजी करते हुए वहां पर चिराग, पिछली दो गेंदों पर लेग बाय के रूप में ही रन आया और स्कोर अब 44-44 पर स्कोर जा पहुंचा है। इस बार गेंद के आने का इंतजार कर रहे थे वहां पर बल्लेबाज, डॉट गेंद के साथ अपने ओवर की समाप्ति करते हुए चिराग। तीन ओवर का खेल खत्म हो चुका है जिसमें रन बनाए गए हैं 44-44 रन बन चुके। लगभग जो आस्किंग रन रेट है यहां पर वो 15 का है, और अगर इसी तरह से बैटिंग होती रही तो फिर 60+ या फिर 50+ रन बनाएंगे यहाँ पर आरपी लाइन वाड़ा। देखना है कि क्या कुछ होता है। लास्ट ओवर में अब गेंदबाजी के लिए आएंगे गेंदबाज, रोशन को बुलाया गया है। चार चार ओवर का ये मैच और चार गेंदबाजों का यूज किया जा रहा है। पहले ओवर में महेश ने गेंदबाजी की, दूसरे ओवर में सौरभ ने, और तीसरे ओवर में चिराग, और डेथ ओवर में अब आएंगे रोशन गेंदबाजी के लिए, रोशन आते हुए। लेकिन दोनों जो बैट्समैन है रुपेश और उमेश पूरी तरीके से वहां पर सेट हो चुकी है, उनकी जो आंखें वो जम चुकी है क्रीज पर। अब देखना कि डेथ ओवर में किस तरह से बैटिंग करेंगे दोनों ही बैट्समैन। रोशन गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए सामना करेंगे वहां पर बैट्समैन रुपेश, 12 पर बैटिंग करते हुए रुपेश। पहली गेंद मिस टाइम स्ट्रोक है, देखना है वहां पर वो कैच वहां छूटा है, और गेंद देखना है कि शायद डिक्लेयर जोन में गई है। दो रन आ जाएंगे स्कोर में, बड़ा हिट लगाना चाहते थे इस गेंद के ऊपर वहां बैट्समैन रुपेश, लेकिन बल्ले का टॉपेज लगा था, हालांकि शॉट फाइनल लेग पर खड़े हुए खिलाड़ी से चूक गई और गेंद डिक्लेयर जोन में चले गई है। थोड़ा पहले ही अपना बल्ला ऑन साइड की दिशा में घुमा दिया था वहां पर बैट्समैन ने। इस बार अच्छी गेंद रही है, थोड़ा नीचे की तरफ ये गेंद रह गई थी, सब मरीन डिलीवरी रही थी इस बार वहां गेंदबाज रोशन की। तो पहली दो गेंदें अच्छी देखने को मिली है, पहली गेंद के ऊपर मिस टाइम स्ट्रोक रहा था और इस बार ये डॉट गेंद रही है, लेकिन उसी बीच पुल कर दिया इस गेंद को, गेंद ये भी जाएगी बाउंड्री के बाहर, 6 रन। लगातार हम देख रहे कि चारों ही गेंदबाजों को यहां पर सिक्सर लगी है, पहले ओवर में भी जो एक सिक्सर आया था, दूसरे ओवर में भी सिक्सर, और तीसरे ओवर में भी, और लास्ट ओवर में भी हम देख रहे कि अभी अभी एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक लगाया वहां पर बैट्समैन रुपेश ने। पहली गेंद के ऊपर विकेट गिरा था, उसके बाद हम देख रहे कि ये दोनों बैट्समैन ने अब तक 52 रनों की पार्टनरशिप भी की है। इस बार अपने स्टेप में चुके हैं वहां पर गेंदबाज रोशन, तीन गेंदों में अब तक 8 रन खर्च किए, अभी भी और तीन गेंदें बची हुई है पहली इनिंग की समाप्ति के लिए, और स्कोर 52-52 पर स्कोर। फुलर लेंथ की ये गेंद थी, फ्रंट फुट को आगे निकालकर वहां पर स्वीप करना चाहते थे इस गेंद को बैट्समैन, लेकिन फिर से सिंगल ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। देखना है अब जाकर वहां दूसरे रन के लिए पलटे है बल्लेबाज। कभी गेंद इधर तो कभी उधर, दो रन आ जाएंगे इस गेंद के ऊपर। फील्डिंग हम देख रहे हैं कि उस प्रकार की नजर नहीं आ रही है, इसी ओवर में एक कैच भी छूटा था, इस बार ओवर थ्रो हुआ और सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया है बल्लेबाजों ने। लेग बाय के रूप में ये फिर से दो रन आया है स्कोर में। रोशन फिर से मिस टाइम स्ट्रोक, देखना है वहां पर खुद गेंदबाज गेंद के नीचे, लेकिन कैच छूटा है वहां पर। लगातार हम देख रहे कि जो फील्डिंग का स्तर है वो उतना बेहतर नजर नहीं आ रहा है, बिल्कुल आसान सा ये कैच था, लड्डू कैच है जिसे हम कहेंगे, वो ड्रॉप किया है खुद गेंदबाज ने। सेमीफाइनल का ये मैच है, ये भी हम भूल नहीं सकते, 100% नहीं बल्कि
यहाँ पर 1000% देना होगा खिलाड़ियों को। इस बार देखना है, फिर से गेंद हवा में है, लेकिन इस बार ये गेंद जाएगी बाउंड्री के बाहर। लास्ट गेंद के ऊपर एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक आया है, तो सिक्सर के साथ यहां पर पहली इनिंग की समाप्ति हुई है। और पहले बैटिंग करते हुए आरपी लाइन वाड़ा ने रन बनाए है, 61 और 62 का टारगेट रहेगा कुड़ुस 11 के सामने। दर्पण पावर प्ले में गेंदबाजी करते हुए दर्पण, पहली गेंद इनफील्ड के ऊपर से खेल दिया है, गेंद देखना है जा रही है बाउंड्री के बाहर, वन बाउंस में गेंद बाउंड्री के बाहर जाएंगी 4 रनों के लिए। पहली गेंद के ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत बाउंड्री लगाई वहां पर, बिल्कुल सीधे ब्लेड से इस गेंद को खेला था वहां बैट्समैन सौरभ ने।
इस बार पुल करने की कोशिश की है, मिस टाइम स्ट्रोक है, सिंगल रन आएगा इस गेंद के ऊपर। एक बार फिर से बड़ा हिट लगाना चाहते थे वहां पर बैट्समैन सौरभ, लेकिन इस बार मिस टाइम स्ट्रोक रहा था और तेज कदमों से ये सिंगल रन पूरा किया गया है इस गेंद के ऊपर। पहली गेंद के ऊपर बाउंड्री लगाई थी, बिल्कुल सीधे बल्ले से खेल दिया था वहां पर सौरभ ने, लेकिन अगली गेंद अच्छा कमबैक भी किया गेंदबाज दर्पण। ओम साई मूवी के माध्यम से ये वडोली ट्रॉफी दिखाया जा रहा है। यूट्यूब पर भी जो लोग इस टूर्नामेंट को देख रहे हैं हम उनका भी स्वागत करते हैं, और इस वक्त हमारे वीआईपी डाइस पे जो लोग मौजूद है हमारे मान्यवर हम उनका भी स्वागत करते हैं। एक बार फिर से वहां पर दर्पण, इस बार स्लाइस कर दिया इस गेंद को वहां पर बैट्समैन ने, अपने बल्ले के फेस को खोलकर इस गेंद को खेला है, लेकिन रन सिंगल ही आ पाएंगे इस गेंद के ऊपर। सिंगल से खाता खुलता हुआ सौरभ जूनियर का, हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेलना चाहते थे वहां पर बैट्समैन, लेकिन ओ ओ ओ आउट, विकेट वहां पर गिरता हुआ सौरभ सीनियर आउट। गिरा और बैट्समैन सौरभ सीनियर आउट होकर वापस जाते हुए ऑन साइड में इस गेंद को खेलना चाहते थे वहां पर बैट्समैन, कलाइयों का अच्छा इस्तेमाल भी किया था, लेकिन थोड़ा पहले ही अपने बल्ले का जो फेस था वो बंद कर दिया था, वही कारण था कि बल्ले की जड़ से जाकर गेंद लगी और एक बिल्कुल आसान सा काम था वहां पर, विकेट गिरता हुआ ये पहला विकेट गिरा है सौरभ आउट होकर वापस जाते हुए, 6 पर ये पहला विकेट गिरा है, जबकि नए बैट्समैन आए है चिराग। हालांकि दोनों इनिंग की जो शुरुआत हुई है, पहली इनिंग की जब शुरुआत हुई थी तो वाड़ा का पहली गेंद के ऊपर विकेट गिरा था, लेकिन कुड़ूस का जो पहला विकेट गिरा है वो 6 रन पर ये पहला विकेट गिरा है, 62 रन बनाने 62 रन बनाने। तो मैच यहाँ पर रुका हुआ है, गेंद के आकार को लेकर यहाँ पर मैच रुका हुआ है। पहले ओवर में बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी देखने को मिली है दर्पण की, 2 विकेटें भी हासिल की और पावर प्ले में सिर्फ 6 रन खर्च किए, लेकिन शुरुआत हम देख रहे हैं कि कुड़ूस 11 की उतनी बेहतर नहीं हुई है। दोनों जो बैट्समैन थे पहले सौरभ सीनियर और उसके बाद चिराग, ये 2 बैट्समैन आउट होकर वापस गए, लेकिन अभी भी अगर हम देखें तो सौरभ जूनियर और महेश ये 2 बेहतरीन बैट्समैन अभी भी वहां पर मौजूद है, लेकिन अब यहां से रन की तरफ जाना होगा बैट्समैन को, क्योंकि अभी भी यहां से काफी रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। टारगेट जो है वो 62 का टारगेट है। अब यहां से 56 रन और चाहिए, 56 रन और चाहिए, जबकि गेंदें बची हुई है 18। 3 ओवर का खेल बचा हो जिसमें 56 रन 56 रन और बनाने होंगे। खेल की शुरुआत एक बार फिर से होती हुई, गेंदबाजी के लिए स्वप्निल, सामना करेंगे वहां पर सौरभ। ओ पहली गेंद वहां पर देख, माननीय बाबू सुशी यानी मंचावरी आव आपलं डिंगडॉंग वडलीकडनं हार्दिक अधिक स्वागत, लीजन क्रिकेटर त्याचबरोबर स्टार क्रिकेटर कैश पटेल यांचं आगमन झालं, आपलं हार्दिक अधिक स्वागत, वेलकम वीआईपी डाइस। कैश पटेल आपको मंच पे आना है, सीमांजी भुरे आपल्या सुद्धा मंचावर यायचे, प्लीज वेलकम। वडोली प्रीमियर लीग डब्ल्यूपीएल लीग वडोली या मॅच करिता मॅन ऑफ द मॅच साठी इनर देतात ते, प्लीज वेलकम।
कैश पाटिल यांचं आगमन होत आहे. आपलं हार्दिक अधिक स्वागत डिंग डॉंग क्रिकेट क्लब वडोलीकडनं. बाबू सुसे, बाबू सुसे यांना विनंती आहे की आपण मंचावर यावं. मिस्टर बाबू सुसे आपको विनंती आहे की आपको स्टेज पे आना है. प्लीज वेलकम. तो सिंगल रन आया है इस बार और स्कोर 10. सिंगल डबल से अब यहां पर काम नहीं बनने वाला है क्योंकि जो आस्किंग रन रेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है. लेकिन गेंदबाजी हम देख रहे हैं कि पहले ओवर में भी अच्छी रही थी और दूसरे ओवर में भी स्वप्निल कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं. तो इस तरह गेंद वहां पर रही है. ब्लाइंड स्विंग खेलना चाहते थे वहां पर बैट्समैन सौरभ, लेकिन बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी लगातार देखने को मिलती हुई. इस बार कहीं ना कहीं अपनी गति से बीट कर दिया था बैट्समैन को. डॉट गेंदे भी बीच बीच में खेलते हुए वहां पर बैट्समैन. शॉर्ट अंपुल लगाया इस गेंद के ऊपर वहां बैट्समैन ने. देखना है कार्पेट द्वारा गेंद जाती हुई, लेकिन रन फिर से सिंगल ही आएगा इस गेंद के ऊपर. सिंगल की मदद से स्कोर अब 12 पर 2 विकेट गंवाने के बाद कुलूस 11. अभी भी यहां से 50 रनों की और जरूरत है. इस बार खड़े खड़े वहां पर गेंद को खेलना चाहते थे बैट्समैन. फुटवर्क का इस्तेमाल नहीं किया था वहां पर बैट्समैन महेश ने. अपनी जगह से गेंद को कट करना चाहते थे इस गेंद को, लेकिन एक और अच्छी गेंद रही है. लगातार हम देख रहे हैं कि ऑफ स्टंप के बाहर गेंदों को रखते हुए वहां पर स्वप्निल लास्ट गेंद के साथ. स्वप्निल फिर से मिस टाइम स्ट्रोक. इस बार विकेट कीपर गेंद के नीचे और विकेट. महेश भी अब यहां पर आउट होकर वापस लौटते हुए. दो ओवर की समाप्ति. रन बनाए गए हैं 12. दोनों गेंदबाजों ने 6-6 रन खर्च किए. अब यहां से 12 गेंदे और 50 रन चाहिए, जबकि नए बैट्समैन आए हैं अमर. अमर को अपनी कमर कसनी होगी, बड़े हिट लगाने होंगे वहां पर बैट्समैन को. हालांकि आस्किंग रन जो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, अब यहां से हर ओवर में 25 रन बनाने होंगे. सौरभ पहली गेंद का सामना करते और गेंदबाजी में आएंगे गणेश. इस बार अच्छा स्ट्रोक लगाया वहां पर बैट्समैन ने. वेकेंट एरिया में गेंद जाती हुई, मिड विकेट से होती हुई गेंद चली गई है बाउंड्री के बाहर. 6 रन. यहां पर शुरुआत हुई और गेंदबाजी में गणेश को बुलाया गया. पहली गेंद गणेश की और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस गेंद को खेल दिया था वहां पर बैट्समैन सौरभ जूनियर ने. मिड विकेट के ऊपर से ये गेंद चली गई है 6 रनों के लिए. सिक्सर की मदद से स्कोर अब 18 पर. शुरुआत तो यहां पर तीसरे ओवर की अच्छी की है बैट्समैन सौरभ ने, लेकिन उसी बीच बोल्ड हो गए बैट्समैन. एक बहुत ही बेहतरीन गेंद रही थी वहां पर गणेश की, जहां पर मिडिल स्टंप को पूरी तरीके से वहां पर बिखेर के रख दिया. ये देखिए किस तरह से वहां पर सफल हो गए थे बैट्समैन. गेंद की लाइन से हटकर खेलना चाहते थे वहां पर सौरभ, लेकिन बिल्कुल मिडल में ये गेंद थी और अपना विकेट गंवाते हुए सौरभ. रोशन नए बैट्समैन अब आते हुए. रोशन दोनों जो अगर बैट्समैन हम देखे अमर और रोशन, अब दोनों फ्रेश बैट्समैन है.
अब कहीं ना कहीं सेमीफाइनल मैच से थोड़ी पिछड़ती जा रही है कुलूस इलेवन। हालांकि क्रिकेट का खेल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब यहां से अगर बैट्समैन लगातार बड़े हिट लगाते हैं तो फिर कमबैक कर सकती है कुलूस इलेवन, लेकिन उसके लिए बड़े हिट लगाने होंगे, गेंदों को बाउंड्री के बाहर फेंकना होगा। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि आरपी लाइन वाला की जो गेंदबाजी है वो बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिल रही है। पहले ओवर में दर्पण उन्होंने 6 रन खर्च किए, उसके बाद स्वप्निल उन्होंने भी 6 रन खर्च किए और इस ओवर में भी अब तक 6 ही रन आए हैं। हालांकि 4 गेंदें अभी भी बची हुई है, पिछली गेंद के ऊपर विकेट हासिल किया था वहां गेंदबाज गणेश ने, अति साथ वहां पर शॉर्ट पुल लगाया इस गेंद के ऊपर बैट्समैन ने और सिंगल से अपना अकाउंट ओपन करते हुए टीम का स्कोर अब पहुंचा दिया है 19 पर। एक और अच्छी गेंद रही वहां पर। लगातार हम देख रहे हैं कि गेंदबाजी का जो पैनापन है वो बहुत ही बेहतरीन देखने को मिल रहा है। बल्लेबाज लगातार कठिनाइयों में आ रहे, इस बार विकेट भी हासिल किया है वहां गेंदबाज गणेश ने और ये दूसरा विकेट अब हासिल कर चुके हैं। एक बैट्समैन आ रहा है और एक जा रहा है, अमर आउट होकर वापस जाते हुए उनकी जगह आएंगे साहिल। अब यहां से इस मैच में जो गेंदे बची हुई 8 गेंदे बची हुई जिसमें रन चाहिए 43 रन चाहिए। उसी बीच वहां पर देखना है लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद को खेला है, गेंद के नीचे खिलाड़ी और विकेट एक और गिरता हुआ। बाजी यहां पर इस ओवर में भी देखने को मिल रही है, गणेश हैट्रिक पर अब आ चुके हैं गेंदबाज गणेश। नए बैट्समैन आते हुए साईनाथ। हैट्रिक गेंद के साथ वहां पर गणेश, इस बार अच्छी गेंद रही थी विकेट के अंदर, इस बार गेंद को रखा था वहां पर गेंदबाज ने। सिंगल रन आएगा लास्ट गेंद के ऊपर और स्कोर 20। अब लास्ट ओवर में जो रन चाहिए वो 42 रन चाहिए। हालांकि कुलूस के कैप्टन ने कहा था कि ये जो मैच रहेगा ये एक कांटे का मैच हमें देखने को मिलेगा। आइए अक्षय पांडे सर, आपका भी स्वागत है। बाली ट्रॉफी 2023 में हमारे साथ कमेंट्री की थी अक्षय पांडे सर ने, वेलकम सर, आपका भी स्वागत है। 6 गेंदे और 42 रन चाहिए। हालांकि कैप्टन ने कहा था कि कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा, लेकिन कहने और करने में बहुत ज्यादा फर्क रहता है। गणेश गायकवाड़ पहली गेंद वहां पर देखना है कि बीमर गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत की है। 5 रन पहली गेंद के ऊपर। सिक्सटी टू का टारगेट है, जबकि अब तक जो स्कोर बनाया गया वो है 20। मुख्य मंचावर डिंग डॉंग वडोली ट्रॉफी मध्ये सन्मानित केलं जात आहे कैश पटेल, सुप्रसिद्ध उद्योजक कुडूस आणि क्रिकेटर वाडा टेनिस कैश पटेल यांचं स्वागत आणि सन्मान कैलास जाधव यांच्या शुभ हस्ते डिंग डॉंग क्रिकेट क्लबच्या वतीने केले जाते वडोली ट्रॉफी मध्ये। कैश पटेल जी आपका हार्दिक स्वागत है, युवा उद्योजक कुडूस आणि WCA क्रिकेटर कैश पटेल यांचा सन्मान होतो, आपला हार्दिक स्वागत। ओ इस बार अच्छी कोशिश लेकिन गेंद गई है वन बाउंस में बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। बिल्कुल वन साइडेड ये मैच हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि पहली जो गेंद रही थी गणेश गायकवाड़ की वो बीमर गेंद रही थी, उसके बाद हम देख रहे हैं कि लगातार 2 गेंदों पर 2 और बाउंड्री आई है, लेकिन अभी भी यहां से काफी रन चाहिए। अभी भी यहां से हम देखें तो 4 गेंदें बची हुई जिसमें 29 रन चाहिए, 4-29 का इक्वेशन आ चुका है।
लेकिन इस बार डॉट गेंद ये रही है, ये बहुत ही बेहतरीन गेंद रही थी गणेश के। लेकिन साईनाथ हम देख रहे कि अच्छी बैटिंग करते हुए, अगर इसी तरह की बैटिंग ऊपरी क्रम के बैट्समैन करते तो इक्वेशन कुछ और नजर आता था। फिर से वहां पर एक और अच्छी गेंद देखने को मिली है, इस बार गेंद की लाइन से हटकर खेलना चाहते थे वहां पर बैट्समैन, लेकिन एक और डॉट गेंद अब देखने को मिल रही है। विकेट हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा गिर चुकी है और बीच बीच में डॉट गेंद भी बहुत ज्यादा खेली गई है, वही कारण है कि अब दो गेंदें बची हुई है और अभी भी 29 रन चाहिए। इस बार देखना है, मिडल तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर दिया इस गेंद को और अलोंग द ग्राउंड गेंद जाती हुई, लेकिन फिर से सिंगल रन इस गेंद के ऊपर। सेमीफाइनल का ये मैच अब लगभग फाइनल में पहुंचती हुई यहाँ पर आरपी लाइन वाला पुल किया है, लेकिन देखना है मिस्टर मिस्ट्रो का है गेंद के नीचे वहां पर गणेश गायकवाड़ और कैच वहां पर छूटा है और इसी के साथ इस सेमीफाइनल मैच को जीत लिया है आरपी लाइन वाड़ा ने। हार्ड लग हार्ड लग कुलिस 11 कॉन्ग्रेचुलेशन आरपी लाइन वाड़ा। तो आज के दिन का ये पहला मैच अभी अभी यहाँ पर समाप्त हुआ है, सेमीफाइनल का ये मैच जिसे जीत लिया है आरपी लाइन वाड़ा ने और फाइनल में अब अपनी जगह बना ली है। ओवर टू सूरज पाटिल सर। थोड़ा तमाम सर्व क्रीडा शौकीनांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत है। डिंग डोंग वडोली चषक 2024 चा थरार पाहतायत, पुणे में डिंग डोंग तो पालघर वाडा में भी डिंग डोंग, आणि या ठिकाणी भरपूर